بسم الله الرحمن الرحيم. वो जो पेज नंबर है वो निकालिए. हाँ, بسم الله الرحمن الرحيم. हम मुदारे पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कल फैल मजहूल फुइला वजन पर. तो मैंने जो आपको किताब भेजी थी मुअज्जम तसरीफ अफाल, या तो वो मार्केट में मिल रही है, और दूसरा अगर नहीं तो वो भी आपके पास पीडीएफ है. तो मैंने जो पेज नंबर आपको वहां पर लिखा था और ऑडियो भी भेजा था, आप उसको सुनिए, तो इनशाला आपको वो काफी मदद देगी, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस वहीं पर की गई है. तो उसको बस जुबान पे हमने चढ़ाना है उन अल्फाज को, और हर एक बाब का दिया हुआ है, मजीद भी है उसमें दिया हुआ. ठीक. अब देखिए, मुजारिया को भी हमने पढ़ा था, जैसे फ़ाला तो उसको बनाया फ़ुइला, जैसे कतबा कुतिबा दरसा दुरीसा ज़रबा दुरीबा. तो इस तरह से उन छह बाबों का फिर हमने बनाया मुजारिया का ही, मतलब जैसे कतबा यकतुबु दरसा यदरुसु ज़हबा यज़हबु. तो इस यदरुसु यकतुबु यज़हबु उनको भी बनाया था फ़ुइला युफ़अलु, जैसे युद्रसु युद्रबु युक्तबु युनसरु. ठीक है. तो युफ़अलु युसजदु, तो ऐसे हमने बनाया था. फिर उनकी गर्दान आ गई, हाँ, फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलु फ़ुइलत फ़ुइलता, इस तरह युफ़अलु युफ़अलानि युफ़अलून, तो इस तरह से आगे तक हमने बनाया था. तो वो उस पर आप पढ़ लीजिए मुजारे के तगयुरदा तगयुरात. अब मुजारे जो है हमने बनाया था, यानी मुजारे यफ़अलु यक्तुबु यद्रुसु, ऐसे. तो इसमें कुछ चेंजेस आ रही है. ठीक है. तो वो क्या है तगयुरात, उनके अंदर चेंजेस कैसे हो रही है, यह आज हम पढ़ेंगे. नंबर एक, कहते हैं फ़ैल माजी तो मबनी असमा की तरह अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता. हमने मालूम है ये, ठीक है. जैसे कि इसम जो होता है, यानी मबनी जो होते हैं ना, वो अपनी ही हालत में रहते हैं. ठीक. इसी तरह जो यहाँ पर यानी फ़ैल है, फ़ैल के अंदर फ़ैल माजी और फ़ैल अमर, मान लीजिए दो, ये अपनी ही हालत पे रहते हैं. जैसे दरासा या दुरुसु, तो दरासा जो है माजी में दरासा कतबा जहाबा, हर एक के लास्ट पर बा 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 ऐसे, मान लीजिए जबर जबर जबर. तो हर एक मबनी है, मबनी अल फतह मबनी अल फतह मबनी अल फतह, सिर्फ बीच वाला कलमा बदलता है. लेकिन मुजारे में तब्दीलियां होती है, मुजारे में तब्दीलियां होती हैं. तो बेसिकली मुजारे क्या हैं, मरफू, जैसे दरअसल. ठीक है. यदुरुसु यदुरुसु, कतबा यकतुबु, इस तरह है जहबा यजहबु. तो आखिर पर बो बो ऐसे पेश पेश आ गया. ठीक है. तो ये पेश क्या है, ये मरफू की अलामत है. लेकिन ये मुजारिया, इसमें चेंजेस आ सकती हैं, और भी चेंजेस. कभी इस पर जबर भी आ सकता है यदुरुसा, ठीक है. कभी यदुरुसु यदुरुसना नून लग सकता है, कभी नून गिर सकता है. ठीक है. तो ऐसी हो जाए, तो मुजारिया में चेंजेस आती है, माजी में नहीं, क्योंकि माजी मबनी होता है. हो गई एक बात, माजी मबनी होता है, वो चेंज नहीं होगा लास्ट उसका. तो मुजारे में तब्दीलियां होती है अराब के एतबार से. लेकिन फ़ैल मुजारे अपनी नॉर्मल शक्ल के अलावा मजीद शक्लें इख्तियार करता है. ठीक है. इन शक्लों को हम मुजारे खफीफ और मुजारे अखफ, दो उनवानात के तहत समझने की कोशिश करेंगे. तो अब यहाँ पर जो मुअल्लिफ है, उन्होंने कहा, हम आपको समझाएंगे, इस समझाओ तो कि मुजारे यूजन, इस मुजारे को हम समझेंगे. एक है मुजारे खफीफ,
यानी वो मुजारे जो हल्का है, दूसरा है वो मुजारे जो अखफ है, यानी हल्के से भी हल्का, हल्के से भी हल्का, ठीक। वो कैसे? तो खफीफ और अखफ समझना है। कहते हैं सबसे पहले ये नोट करें, यानी पहले हमें ये याद होना चाहिए कि अरबी जुबान में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो फ़ेल मुजारे से पहले आकर फ़ेल मुजारे की शक्ल तब्दील कर देते हैं, यानी फ़ेल मुजारे की गर्दान के मुख्तलिफ सेगों में कुछ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। इन मुख्तलिफ तब्दीलियों को समझने के लिए हम फ़ेल मुजारे के किसी भी गर्दान को तीन किस्म के सेगों में तकसीम कर लेते हैं। सिंपल बात यही है कि कुन सातन ठेस फैल अनांश, जैसे इसम है तो इसम में इसम क्या है बेसिकली, बिलालुन, किताबुन, हम्मादुन, अब्बासुन, फातिमतु, आयशतु, तो इसम बेसिकली मरफू है। लेकिन कभी मजरूर भी आता है, जैसे कि हम कहेंगे कि अन मुहम्मदिन, ठीक है, मजरूर, तो हरफ जर की वजह से मजरूर आ गया, तो मुजाफ और मुजाफ इलेही बनने की वजह से मजरूर आएगा, ठीक है। हरफ नासिबा लगाएंगे आगे तो ठीक है, इन्ना अन्ना ला किन्ना ला ऐसे लगाएंगे तो नसब आ जाएगी, ठीक है। तो कभी जर भी आती है इसम को, कभी नसब भी आती है, लेकिन जब उससे पहले कुछ लगाएंगे। इसी तरह फैल मुजारिया है, इसमें भी तब्दीलियाँ होती हैं पूरी गर्दान में, यफ़अलान, यफ़अलून, ऐसे पूरी गर्दान में नीचे तक तब्दीलियां होंगी, लेकिन जब आगे लगाएंगे कुछ तो तब, जैसे कि हम कहेंगे हम जज़्म वाले हुरूफ लगाएंगे, अन लन का इज़न फॉर एग्जांपल, ठीक है, नस्व वाले हुरूफ लगाएंगे अन लन का, अगर जज़्म वाले लगाएंगे, ठीक है, लम लम्मा वगैरह ऐसे, तो जाजिमा भी है नासिबा भी है, तो इनको आगे लगाएंगे कुछ तो सेगों में तब्दीलियां हो जाती हैं। अब तीन किस्मों में इनको समझा है, समझाया गया है। नंबर एक, पहली किस्म के सेगे देखिए क्या है, यफ आलू, तफ आलू, तफ आलू, अफ आलू, नफ आलू। अब आपको पता है यफ आलू क्या है, जैसे यह कताबा तो इसको क्या बनेगा, यकतुबू, ठीक है, तो कताबा यकतुबू, फिर कीजिए गर्दान, यकतुबू, यकतुबानी, यकतुबूना, ठीक है, तो इसके बाद तकतुबू, तकतुबानी, तकतुबना, ये हो गया। तो अब उसको बनाने के लिए एक तो माजी के हैं, जैसे कि यकतुबु, और माजी के वाहिद के लिए तकतुबु, मुअन्नस के लिए तो एक लिखती है, ठीक है। फिर अगर जाएगा अंता, अंता के बदले जाएगा तफ़अलु, जैसे तकतुबु, ठीक है। फिर अना यानी अफ़अलु जाएगा वहां पर अकतुबु, तो नकतुबु, वो ऐसे जाएगा। ये इंशाल्लाह हम देखेंगे, अगर आपको बोर्ड यहाँ पर निकल रहा है तो वो कीजिए, ठीक है। दूसरी किस्म के सेगे है, देखिए पहले किस्म के सेगे क्या है, यफ आलू तफ आलू, देखिए यफ आलू तफ आलू, ये माजी के हैं, ये माजी के, ठीक है, ये तफ आलू, ये अंता के, मान लीजिए अंता के बदले है, ठीक है, अफ आलू अना के बदले है, नफ आलू नहनु के बदले है, ठीक है, ये हमने मालूम ही है, ये इंशाल्लाह हमने मालूम ही है। अब देखिए दूसरे किस्म के है जिसके लास्ट पे नून 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 आता है, यफ अलानी, तफ अलानी, तफ अलानी, तफ अलानी, तो ये क्या है, असल में है हुआ, तो इसके बाद हुमा है, तो हुमा के बदले यहाँ पर तफ अलानी मान लीजिए, एक हो गया ये, तो मुअन्नस के लिए भी तफ अलानी हो गए, ये दो तफ अलानी, तफ अलानी, ठीक है, या यफ़अलानी तफ़अलानी, यफ़अलानी और मुअन्नस के लिए तफ़अलानी, इसके बाद तफ़अलानी, तफ़अलानी यानी अंतुमा, अंतुमा दो मर्दों के लिए तफ़अलान, अंतुमा तफ़अलान दो औरतें, हो गए ये। इसलिए मैंने पहले ही दर्स में कहा था आपको कि आप अच्छी तरह से इन ज़मायर को समझ लीजिए, फिर आपको गोटिफिकेशन पर नहीं चलना पड़ेगा। इसके बाद यफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलीना, ये जो यफ़अलूना, तफ़अलूना, यफ़अलूना है, जैसे हुम इसके बदले यफ़अलूना, तो हम क्या कहेंगे, यकतुबु, यकतुबानी, यकतुबूना, हो गया ये, तो ये यकतुबूना, यकतुबानी, यकतुबु, तो मुअन्नस बनेगा तकतुबु, तकतुबानी, ठीक है, यकतुबना, तो ऐसे बनेगा वो, तफ़अलूना मुअन्नस के लिए, ठीक है, ये बनेगा इसके लिए। अब आगे तीसरे किस्म के क्या है, यफ़अलना, तफ़अलना, यफ़अलना, तफ़अलना,
तो ये मुअन्नस की, अब देखिए क्या है। इन मुअन्नस को समझने के लिए पूरी गर्दान हम फिर लास्ट पे देखेंगे, अभी नहीं घबराना। कहते हैं फैल मुजारे जब खफीफ या अकफ होता है, फैल मुजारे क्या है हमने पढ़ा है, खफीफ या पढ़ा अकफ, खफीफ यानी हल्का, अकफ सबसे हल्का। तो इन तीन किस्म के सेगों में क्या तब्दीलियां वाक़ होती हैं और कौन सी है हुरूफ हैं जो फ़ैल मुजारे को खफीफ या अकब कर देते हैं, इन सवालों के जवाब हम हाँ अब आगे आएंगे। कीजिए टर्म, किसको कहेंगे फ़ैल खफीफ, अकब किसे कहेंगे, कब नून गिरेगा कब नहीं गिरेगा। अब देखिए कहते हैं मुअल्लिफ, फ़ैल मुजारे जब खफीफ होता है तो मुजारे के तीनों किस्म के सेगों में जो तब्दीली वाक़ वो दर्ज दे रहे हैं। पहली किस्म के सेगों में लाम कलमा पर आने वाली पेश जबर में तब्दील हो जाती है। देखिए लाम कलमा फा ऐन तो लाम है ना, फा ऐन लाम, फा कलमा ऐन कलमा लाम, जैसे फ़ाला तो ये है लाम कलमा, कतबा तो ये बा है लाम कलमा, ठीक है। लाम कलमा में क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं दरासा, दरासा तो मुजारे में क्या होगा, या दुरु सु, तो ये होता है। तो अब अगर इस किस्म के खफीफ वाले होंगे तो बनेगा या यफअला, तफअला नफअला, अफअला नफअला, यानी तफअला अफअला नफअला। तो ये कह रहे हैं कि पहली तब्दीली क्या होती है, लाम कलमा पर आने वाली पेश जबर में तब्दील हो जाती है, क्यों होती है वो आगे बताएंगे, खफीफ की मिसाल है। दूसरे किस्म के सेगों के आखिर में आने वाला नून गिर जाता है, तो ऐसे कहते हैं सुकूत नून, क्या था यफ अलानी तफ अलानी, ड्यूअल का नून गिर गया ना, तब्बत यदा यदानी अबी लहब है ना, यदानी तो नून गिर गया, तो यफ अलानी यदानी तदानी फाल मान लीजिए ठीक, यदानी तो यफ अलानी वो भी गिर गया नून, तफ अलानी नून ड्यूअल ड्यूअल का गिर गया, तफ अलानी अंतुमा अंतुमा यानी हाजिर में गिर गया, तफ अलानी गिर गया, यफ अलूना तो नून गिर गया, ठीक है, तफ अलू तो नून गिर गया, तफ अली तो या नून गिर गया, ठीक है नून गिर गया तो या वहां पर है। तीसरे किस्म के सेगों में कोई तब्दीली वाक्य नहीं होती, दो है ऐसे जिनको कुछ नहीं होता, यफ अलना तफ अलना, यफ अलना तफ अलना, तो ये मुअन्नस के होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही रहेंगे। कुछ हरूफ ऐसे हैं जो मुजारे के शुरू में आ जाए तो मुजारे को खफीफ कर देते हैं, ये हरूफ दर्ज ज़ैल है। देखिए खफीफ क्या कर रहे हैं ये जरूरी समझ अभी नहीं, लेकिन अब उन्होंने लिखा है, ये जो असल में क्या है यफ आलू, जब हम मुजारे बनाएंगे यफ आलू इस तरह जैसे यद्रुसु यद्रुसान यद्रुसुन, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुजारे को खफीफ कर देते हैं। खफीफ का मतलब क्या है, खफीफ का मतलब ये है कि उनकी पेश को जबर में बदलता है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि उनके नून को गिरा देता है, हो गई बात, और तीसरी बात है दो में कुछ तब्दीली नहीं करती है। तो खफीफ कर बनता है कब बनता है, जब हम ये हुरूफ लगाएंगे, अन लन कई इजन हत्ता ले, जैसे कि लन लई यफ अला आएगा, अब यफ अलू था तो यफ अला, ठीक है, लई यना ला जैसे लई यना अल्लाहु लई यना अल्लाहु लहूमुहा, ठीक है, उनका नहीं पहुंचता है, लन तरा, ठीक है, लन तरानी था मतलब लन तफअलू लन यफअला, तो इस तरह अन लन काई इजन, ये है मंदरजा बाला हुरूफ में से पहले हुरूफ चार असलन मुजारे को खफीफ करते हैं, जबकि आखिरी दो के बाद अन हर्फ महजूफ समझा जाता है। हाँ सिम ये है, और एक बात कि जब हम खफीफ लाते हैं तो करना क्या होता है, ये अन महजूफ समझते हैं हम, है ना, लन अन कई इजन हता ले, कहते हैं पहले चार ये असलन मुजारे को ये तो मान लीजिए ये चार, लेकिन हता ले जो है ना, हता और ले तो हता के बदले समझ जाते हैं हता, जैसे कि तफअला तफअला, अदरिबुका मैं आपको मारूंगा, हता तफअला यहाँ तक कि आप करोगे, हाता तफ अला कहा जाता है कि यहाँ पर सीक्रेट मान इन्हें हिडन माना जाता है, अन अन मुजमरा कहते हैं, ठीक है, हिडन हत्ता अन तफ अला, तो इसीलिए यहाँ पर हत्ता अन तफ अला, हत्ता के बाद ये इन अन जो है ये मुज यानी छुपा हुआ होता है, बस सिंपल यही है।
अन हर्फ महजूब समझा जाता है, यानी छुपा हुआ माना जाता है, ठीक है। इस तरह ले ले अन अज़रिबा, ले अन, तो ये अन जो है ना, अन ले और इसके बाद छुपा माना जाता है, हो गया ये। अब देखिए प्रैक्टिस क्या है, लन लन क्या है, ये हरूफ क्या है, हरूफ ही मान लीजिए कि ये है नासिबा, इनके बाद इनके साथ नसब आती है, ठीक है। जैसे हमने ये कहा नसब वाले बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। हर्फ लन के अपने कोई अलग माने नहीं है, ठीक है, कोई माना नहीं। लन मतलब मान लीजिए नेवर, खुद ये अकेले क्या कहेगा, लन 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 कुछ नहीं है। किसी के साथ मिलाएंगे तो कहेंगे लन तफ़अला, लन तज्तहिदा, तू कामयाब नहीं होगा कभी, फॉर एग्जाम्पल। तो कोई वर्ड कोई फ़ैल उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तो मुजाहरे जोड़ेंगे, ठीक है। जबकि ये फ़ैल मुजाहरे पर दाखिल होता है, तो ये फ़ैल मुजाहरे पर जब दाखिल होगा तो दो तरह के मानवी तब्दील लाता है। तो जब ये फ़ैल मुजाहरे पर दाखिल होता है तो दो चेंजेस लाता है। नंबर एक, इसमें जोरदार नफी का मफहूम पैदा करते हैं, जैसे कि हम कहेंगे लन तनाल अलबिर्रा, तुम कभी भी हरगिज कभी तुम नेकी तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि वो कुछ खारिज ना करो जो आपको अल्लाह के यानी जो आपको महबूब है। लन तस्बिरा, तुम हरगिज सब्र नहीं कर सकते। लन तज्तहिद, लन तंजह, लन तंजह, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो हो गई नफी, नगेशन किया, यानी नेवर यू कैन डू, नहीं होंगे आप। दूसरी बात, इसके माना मुस्तकबल के साथ मखसूस हो जाते हैं, यानी हमने कहा कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के, यानी जैसे कौम ने कहा कि हमें हमें दिखाइए अल्लाह ताला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह मुझे अपने आप को दिखाए, अब मुझे दिखाइए अपने आप को, ठीक है, यानी मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरा, लन तरा, तू मुझे नहीं देख सकता, यानी लन तरा नहीं, तू मुझे नहीं देख सकता, यानी कब नहीं देख सकता, इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये फ्यूचर का माना देता है, जैसे लन तनाला, अब तुम कभी नहीं पहुंच सकते, यानी इन आने वाले वक्त में कभी आप नहीं पहुंच सकते, तो फ्यूचर का माना देता है। एक फ्यूचर, फ्यूचर का माना देता है, और दूसरा क्या, नफी करता है जोरदार, जैसे कि यफअलु, वो करता है या वो करेगा, जैसे कि यक्तुब, वो लिखता है या लिखेगा। लेकिन हम कहेंगे लन यफअला, एक तो इसने तब्दीली लाई, जबर लाया लास्ट पर, नसब, ये नासिबा है ना, ये हरूफ नासिबा, याद रखो सिंपल, हरूफ नासिबा, ये नसब देते हैं, मगर किस पर, हुरूफ नासिब नासिबा दर फेल मुजारे, यानी फेल मुजारे पर। लन यफअला, वो कभी नहीं करता, वो हरगिज नहीं करेगा, या वो हरगिज नहीं करता, तो हम कहेंगे वो हरगिज नहीं करेगा, अब क्योंकि उसने फ्यूचर के साथ खास किया इसको, ठीक है। लन यक्तुबा, वो हरगिज नहीं लिखेगा। लन यदरुसा, वो हरगिज नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे ही लन यफलाह, वो हरगिज कामयाब नहीं होगा। आगे जाइए, ये हो गया लन, क्या किया लन ने, इसने अपने माँ बाद फैल मुजारे को जबर दिया लास्ट पे, इन्हें मफतू बनाया उसको, ठीक है, मनसूब हालत बना दी इसकी। जैसे देखिए, वइज कुल तुम या मूसा, जब आप लोगों ने कहा ए मूसा, लन नस्बिर, हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे, अला तआमिन वाहिदिन, एक ही खाने पर, ये बनी इसराइल ने कहा, हाँ बनी इसराइल ने कहा, जब ए मूसा हम एक ही खाने पर नहीं रहेंगे, नहीं हमें बहुत डिशेस होनी चाहिए। लन नस्बिरा, तो असल क्या था, नस्बी नस्बिरु, ठीक है, हम सब्र करेंगे, ठीक है, या करते हैं, तो कहा लन, तो लन की वजह से हो गया लन नस्बिरा, क्या हो गया, नेवर, हम नहीं करेंगे कभी भी सब्र एक ही खाने पर, तो हो गया ये। इन्नल लज़ीना तदउून मिन दूनिल्लाह, इन्नल लज़ीना, बेशक उन लोगों को, तदउून, जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के बगैर, लन यखलुकू, असल में क्या है, खलक़ा यखलुकू, खलक़ा यखलुकू क्या है, नसारा या नसूरू, वो बाब हो गया, यखलुकू यखलुकानी यखलुकून यखलुकून, तो हमने क्या कहा, अभी लन आ गया तो इसकी वजह से नून गिर जाएगा, तो यखलुकून को नून गिर गया, तो नून की गिरा, इसके बाद वाव लिखा जाता है, यखलु यखलुकून, ये नून गिराया हमने, जब नून को गिराया तो वाव लिखा यहाँ पर, लन यखलुकू, तो नून क्यों गिर, तो अलामत नसब क्या है,
अलामत नसब क्या है? हज़्फ़ नून। कोई कहेगा नसब की अलामत क्या है, अगर कोई कहेगा नसब की अलामत क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हम कहेंगे फतह ज़ाहिरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई कहेगा हम कहेंगे सुकूत नून, नून का गिर जाना, ठीक है। इसके बाद आगे है, इसके बाद वकालू, और उनने कहा लई यद खुला, दाखिल नहीं होगा, लई यद खुलल जन्नत, जन्नत में, इल्ला मन काना हूदन, सिवाय वही जो यहूदी होगा, औ नसारा या नसरानी होगा, तिलका अमानीहुम, ये बस उनकी हाँ दिली ख्वाहिशात है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कहो मुझे दिखाओ कोई दलील, अपनी दलील कि अगर तुम सच्चे हो। तो लई यद खुला, तो नसब क्या है, नसब की अलामत है फतह, आखिर पर लयन खुला, वो दाखिल नहीं होंगे। कुल लयनफाकुम यनफा, ठीक है, यनफा, तो अलामत नसब क्या है, यनफा जबर है, ठीक है, फतह आखिर पर, यनफा। फिर उसके बाद मिलाया उसको, लयनफाकुम अलफिरारु, ठीक है। इसके बाद यानी आपको नफा नहीं देगा बचना, अगर तुम बच जाते हैं, अगर भागना, अगर आप भाग जाते हो मौत से। इसके बाद लं तंफाकुम, लं तंफा, तुम्हें फायदा नहीं देगा, नफा नहीं देगा, अरहामुकुम आपके रिश्ते, वाला औलादुकुम ना आपके औलाद, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, नसलुल्लाह सलामा, अल्लाह हमारे औलादों और रिश्तेदार सबको बनाए हमारे फायदे की कुंजी, जखीरा आखरत के लिए। अब देखिए इसके बाद अन है, तो लन हो गया क्लियर इंशाल्लाह, आपको समझ आ गया कैसे बनाना है। फेल मुजारे पर तब्दीली आती है, कैसे आती है, हुरूफ नासबा लगाएंगे, नासबा लगाएंगे, उन्होंने तो एक नसब दिया, दूसरा मानी तब्दील हो जाता है, तो क्या लगाया हमने, अन लन लगाया, ठीक है, अन लन कई इजन है ना ये। इसके बाद हत्ता और ले, उससे पहले अन छुपा हुआ समझा जाता है। देखिए दूसरी अन, ये इन्ना नहीं है, ठीक है, ये अन है, तो इसे हर्फ मसदर कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, हर्फ मसदर, क्योंकि ये फ़ैल के साथ मिलकर मसदर के माने देता है, ये मसदरी माना देता है, तो असल में इस पर प्रैक्टिस है, ये मसदरी माना है ना, आगे होगी प्रैक्टिस इसकी, हम अभी समझ रहे हैं। दुरूस लुग़ा अरबिया की दूसरे जुज में ये तकरीबन 10वां या 8वां बाब है, ऐसा 9वां या कुछ दर्स है जहां पर उन्होंने ये लिखा है, प्रैक्टिस कराई है। जैसे अमर तुहू, मैंने उसको हुक्म किया, अं यजहबा, असल में क्या था, यजहबु, वो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या कहा, अमर तुहू, मैंने उसको हुक्म किया, यजहबु, वो जाता है जाएगा, नहीं, अं यजहबा, मैंने उसे हुक्म किया, अं यजहबा, कि वो जाए, यानी मैंने उसे जाने का हुक्म किया, मैंने उसे हुक्म किया के किसका हुक्म किया, अं यज़हबा, कि वो जाए। अन के, अन ने क्या किया, एक तो मसदर का माना दिया, दूसरा क्या किया इसने, यज़हबा, लास्ट पर फतह आ गई, ठीक है, यज़हबा, यज़हबु को क्या बना, यज़हबा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अमर तुहु अज़हाब, अमर तुहु बिज़हाब, मैंने उसे हुक्म किया निकलने का, जाने का, अमर तुहु बिज़हाबी, ज़हाब, तो ज़हाब क्या है, ये मस्दर है, अगर आपको थोड़ा सा तसव्वुर होगा मस्दर के बारे में, जैसे कि हम कहते हैं ज़हाबा, 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 ज़हाबा यज़हबु, ठीक है, ज़हाबन, ज़हाबन, तो ऐसे ही नसरा यनसुरु नसरन, तो वो बनेगा नसरन जो है वो ऐसे, भवानी इसम भी आता है वो, फिर अमरना अल्लाहु अन नअबुदहु, अमरना, हुक्म किया हमें अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, अन नअबुदहु, कि हम उसी की इबादत करेंगे। हम लिख सकते हैं कि अमरना अल्लाहु, अल्लाह ताला ने हुक्म किया हमें, अल इबादत, अबदा यअबुदु इबादतुन, तो इबादा लिख सकते हैं, अन नअबुदा के बदले इबादत, तो अन नअबुदा तो फतह है अन के बदले, ठीक है। उमिर तो, मुझे हुक्म किया गया, अन अबुद अल्लाह, कि मैं इबादत करूँ अल्लाह की, उमिर तो इबादत अल्लाह ही कह सकते हैं, अन आबुद ये भी कह सकते हैं। इन अल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू, तज़बहूना था ना, तज़बहूना, कि तुम सब बकरा को ज़बह करो,
अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि अन तज़बहूना, मगर कहा तज़बहू। ये जो नून गिर गया ये किसकी अलामत है? ये अलामत नसब है, ठीक है, ये अलामत नसब है। बाकी इंशाल्लाह नीचे तक आप देखेंगे। हर्फ अन और फैल का मजमुआ मसदर मुअव्वल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मसदर, हमने कहा ये मसदर के माने में आता है, लेकिन जो ये अन प्लस ये है, एक ये अन प्लस फैल मुजारे है, अन प्लस फैल मुजारे, इसे कहते हैं मसदर मुअव्वल, ठीक है। जैसे अन इज प्लस फैल इज इक्वल टू मसदर मुअव्वल, अन तसूमू, अन तसूमू ना है ना, नून गिर गया, ठीक है। अन तसूमू, तुम अगर यानी तुम रोजा रखो, ये क्या है, खैरुन लकुम, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर। तो अन तसूमू जो है ना, इसको मसदर मुअव्वल कह सकते हैं। तो मसदर सरी भी ला सकते हैं, जैसे कि अन तसूमू के बदले सौमुकुम खैरुन लकुम, अन तसूमू के बदले सौमुकुम खैरुन लकुम, ये भी कह सकते हैं। आगे जाइए, अन अंत फैल मुजारे अच्छा वाला मसदर मुअव्वल, यानी ये गो सो मसदर यूस तावील यूस बनावना आओ मसदर मुअव्वल, यूस मसदर किस मान यस मन छ बे आगो सरी मसदर, मिसाल किताबुन, कतब यक्तुबु किताबुन, दरस यदरसु दरसुन, ठीक, ये दरसुन किताबुन, ये छ आसा मसदर, एम कोई मान छ देवा होते। इथे कनिश पातो मसदर मुअव्वल जुमले मुब्तदा खबर फाइल मफूल, हाँ मजदर मुअव्वल गैस कहते हैं इस्तेमाल पता कई। अब इसके बाद ताकि यानी सो दैट, ये फैल के बाद आकर फैल का मकसद बयान करता है, यानी अगर इस फैल ऐसे वन ऐसे बे क्या इशूस पारान, इस वना क्या इशूस पारान, फॉर एग्जांपल इसका मकसद अकराऊ, मैं पढ़ता हूँ, गना मैं कुरना वन बे क्या करान, एम पता नहीं अकरा उल कुरआना, बुश पारा कुरआन, क्या है जी काई अफहामा हु अफहामा, एम लोगो अफहामा लगो नस नसब हुश पर जमीर, ठीक, ताकि मैं उसको समझू, तो काई ने किया अफहामु को अफहामा ताकि मैं समझू। इस तरह जी तो मैं आपके मैं आया आपके पास, हाँ जी तो मैं आया ले काई ताकि मैं अफहमुल कुरान कुरान को समझू। लिकाई को लाई नाफे के साथ मिलाकर लिखा जाता है, कभी लिकाई भी कह सकते हैं, ताकि मैं, ठीक है, अक्सर उसको हज़्फ किया जाता है, लिकाई ला भी है। इसके बाद इजन, तब तो फिर हम कहते हैं ना इजन, फिर तो बात ये हो गई, ने अगर आप कह रहे हो ऐसा इजन फिर तो ये हुआ, तो ऐसे ही होगा अरबी में भी। इस हरफ से पहले एक जुमला आता है जिसका नतीजा या रद्द अमल, ये सीधी बात है कि हम एक जुमला कहते हैं, लेकिन जुमला सुनने के बाद ही हम कहते हैं फिर तो ये मसला है ना, तब ये कहते हैं। तो इसके पहले एक जुमला आता है, तो उस जुमले के रद्द में, उसके नेगेशन में, ठीक है, या उसका जवाब में रिप्लाई हम देना पड़ता है, तो एक जुमले का रिप्लाई है। जैसे कि कुल तो लिजाई दिन, मैंने जैद को कहा हाजल किताबु मुफीदुन, ये किताब फायदा मंद है, जब मैंने ये कहा एक जुमला कहा, फिर वो कहेगा फकाला उसने कहा इजन, हाँ फिर तो मैं साकरा हूँ, साकरा उ था तो क्या कहा साकरा आ, तो इजन के बाद हो गया इजन, फिर तो मैं साकरा हूँ उसको पढ़ूंगा, इजन साजहबा हूँ मैं, फिर तो वो जाऊंगा वो। हत्ता, हत्ता मतलब यहाँ तक, हम कहते हैं ना कि हत्ता यहाँ तक कि, हत्ता याती अकल यकीन, यहाँ तक कि आपके पास यकीन आ जाए, यहाँ तक कि आपके पास मौत आ जाए, उबुदिल्ला हत्ता याती अकल यकीन, अल्लाह ताला की इबादत करो, वाबुद रब्बक हत्ता याती अकल यकीन, ठीक। इसके बाद नहीं ला मीनस हरगिज, ये जरूरी नहीं है हर जगह ला मीनस हरगिज नहीं, ये ला किसी के साथ मिलाया हमने तो लिख का ही ला, तो इसका मतलब ये होता है ताकि, इसलिए लन का मुराद है हरगिज नहीं, यानी हरगिज मतलब नेवर, मैंने कहा नेवर यानी नहीं होगा, फ्यूचर इन फ्यूचर वो गुजरा, ठीक है। इसके बाद हत्ता लन अजलिसा, तो क्या था अजलिसु, मैं बैठता हूँ, लन अजलिसा मैं नहीं बैठूंगा, एक तो लन ने किया यानी आगे के लिए, लन अजलिसा मैं नहीं बैठूंगा, मैं हरगिज नहीं बैठूंगा, हत्ता यहाँ तक कि,
यअज़नु था तो कहा यअज़न, यअज़न हत्ता यअज़न अल-मुअल्लिमु, यहाँ तक कि मुअल्लिम मुझे इजाजत दे दी। ने लन अजलिसा, मैं नहीं बैठूंगा, हत्ता यहाँ तक कि यअज़न इजाजत, यअज़नु था पेश को क्या किया, हत्ता ने यानी इसको बदल दिया। तो हत्ता और यअज़नु के बीच में क्या है, छुपा हुआ अन मुजमर। ठीक है, आगे जाइए। ताकि फॉर सो दैट, तो इसके लिए भी है, वजह बताने के लिए इस्तेमाल। अल्लाह ने आसमान को जरूर पैदा किया ताकि इसके, खलक अल्लाह नास, खलक अल्लाह अन्नास, अल्लाह तला ने लोगों को पैदा किया। क्यों, ले याबुद, द है द, लियाबुदु था ना, लियाबुदुहु, लियाबुदुहु वो आएगा जमा के लिए। अगर एक के लिए है खलक अल्लाह अर्रजुला तो लियाबुदहु, तो वहां पर क्या है, लियाबुदून, तो नून गिर गया, लियाबुदून हु तो नून गिर गया। हो गई एक बात, ये लेने क्या किया। दूसरी बात, ले असल में इसके बाद अन होता है, वो छुपा हुआ है, ले आई या अबूदू न हो तो नून गिर, ले आई या अबूदू हो। ठीक है, आगे। इसके बाद खरज तू मिनल फसले, मैं क्लास से निकला, ले अन अशरबल मा शरीबा यशरबू, अशरबू अशरबू मैं पीऊंगा, लेकिन ले अशरबा ताकि मैं पीऊं, ले अशरबा, तो यहाँ पर क्या है, नून नहीं गिराना, यहाँ पर क्या है, फतह आ गई, फतह आ गई, सीधी फतह बब्बा पर। तो ले अन यहाँ पर बीच में है, ले इसके बाद अशरबा तो बीच में है अन, अन मुजमर। यह हमने कहा दो, हता और ले के बाद में फैल के दरमियान और उसके दरमियान ये आता है। जाए उमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ताकि हम ले, ये गर्ज के लिए है ना, गर्ज मकसद, तालील इसे कहते हैं, लाम तालील अरबी में। जाइए, गर्ज बयान करने के लिए, लितस्कुनु ताकि तुम सुकून हासिल करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया, लितस्कुनु ताकि तुम सुकून, लितस्कुनु न था। ठीक है, लितस्कुनु न, आगे जाइए। इसके इसके बाद है मुजारे अखफ, यानी वो मुजारे जो उससे हल किया। मुजारे खफीफ कौन हुआ, नंबर एक वो है जिस पर हम हमरूपी नासिबा लगाएंगे, अन लन काई इजन, अन लन काई इजन, और इसके बाद हता और ले, तो उनके हता और ले के बाद मान लीजिए वहां पर हिडन माना जाता है अन ही। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुजारे खफीफ में क्या किया, उन्होंने हालत या रफा से उनको हटाकर नसब बना दिया। तो नसब कैसे बना दिया, अगर वो लाम मान लीजिए आखिर पर जम्मा वाला है तो उसको गिरा दिया जम्मा, तो नसब लगा दी वहां पर। अगर नून है ड्यूअल केस में या जमा केस में, तो नून गिरा दिया वहां पर और जमा में सिर्फ वाव ही रखा और सिर्फ एक खड़ा एलिफ, और इसके बाद यफ अलना तफ अलना वहां पर ऐसे ही रहा। ठीक, अब मुजारे अखफ ये क्या है, फैल मुजारे अखफ, जब अखफ होता है तो मुजारे के तीन किस्म किस्म तब्दीली वाक्य होते, दर्ज यानी ऐसी तब्दीली हो जाती है। तो क्या होता है, अब जायजिमा कहेंगे इनको, जायजिमा ये उनसे हल्के है ना, जायजिमा। तो मान लीजिए हरूफी जायजिमा लगाएंगे मुजारे पर, मैंने कहा मुजारे में तब्दीली होती है तो हरूफी जायजिमा लगाएंगे, जाजम यानी मुजार, जैसे कि यकतुबु यकतुबु, यह है रफा की अलामत, तो लन आन कायन यकतुबा बन गया उससे। अब ये और लगाएंगे कुछ, उससे बनाएगा बनेगा क्या, यकतु यकतुब यकतुब, तो जज्म आएगी वो, अब जज्म। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब दूसरी, ये एक खफीफ है और खफीफ, कहते हैं पहली किस्म के सेगों में लाम किलमा पर आने वाली पेश सुकून, इन्हें लास्ट पर सुकून होगा, जज्म। दूसरी बात, यफ अलाने तफ अलाने तफ अलाने तफ अलाने यफ अलून तफ अलून तफ अली, तो ये हो गया नून गिर गया, हो गई अलामत रफा बराबर, जैसे ए भी था यहाँ भी।
तीसरी किस्म के सेगो में कोई तब्दीली वाक्य नहीं, ये तो ऐसे ही रहेंगे, या फलना फलना, तो ये परमानेंट है। ठीक है, अब देखिए दर्ज ज़ैल हरूफ मुज़ारे पर दाखिल होकर उसे अखबार। अब अगर ये जो नीचे वाले हरूफ है इनको लगाएंगे ना, तो इस वजह से ये खफी बन अखब बन जाता है। तो हरूफ जायज़मा क्या क्या है? लम, आपने पढ़ा है, नशराहु, नहीं लिख पाता हूं मैं, नशराहु हम खोलेंगे। अब देखिए नशराहु हम खोलेंगे, लेकिन हमने कुरान में पढ़ा अलम, ये आ को काटो, अलम लम लम नशरह, तो जज्म आ गए, लम नशरह अलम नशरह। ठीक है, तारा कैफा, तारा ये है, ठीक है, अलम तारा कैफा, तो लम की वजह से वो भी गिर गया। अब आगे इनको देखेंगे हम, हर पे लम के भी अपने कोई अलग माना नहीं है, लेकिन फ़ैल मुज़ारे पर दाखिल होने के बाद ये दो तरह के माने तब्दील। ठीक है, इसमें जोरदार नफी का एक ने नहीं, नेवर, ठीक है, इसके माने माजी के सर मखसूस हो जाते हैं। लन का, लन और लम ये अपोजिट है। लन क्या करता था, मुजारिया को फ्यूचर के लिए लेता था, लेकिन लम की प्रॉब्लम है कि ये माजी का माना देता है। लम नशरा क्या नहीं खोला हमने, लम नशरा क्या नहीं खोला हमने, लम तारा क्या नहीं देखा आपने। ठीक है, लम लम जैसे कि यफ अल वो करता है, यकतुब वो लिखता है, ठीक है, वो लिखेगा, यद्रुस वो पढ़ता है या पढ़ेगा, यसजुद वो सजदा देता है या देगा। ठीक है, इसको बनाएंगे लम यफ अल, तो लम यफ अल, एक तो जज्म बना दी इसने, ठीक है, जायजिमा, तो क्या क्या है, उसने किया ही नहीं, तो लम यसजुद उसने सजदा ही नहीं किया, लम यद्रुस उसने पढ़ा ही नहीं, लम यद्रुस उसने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, लम तुब उसने लिखा ही नहीं है। आगे जाइए, लम यलिद उसने जना ही नहीं, वलम यूलद और वो जना ही गया नहीं, लम यलिद तो यलिदु क्यों नहीं है, यलिदा क्यों नहीं है,